जनता जदयू ने भ्रष्टाचार के विरोध में प्रखंड अहंगल कार्यालय में दिया धरना। नीतीश कुमार को बताया भावी प्रधानमंत्री, अधिकारी जनता दल यू को कमजोर नहीं आके सुधरने की दी नसीहत। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंचल कार्यालय में जनता दल यू ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और प्रखंड अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र गोप की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया। धरना में मुख्य रूप से जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष पिंटू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जदयू प्रदेश महासचिव ने कहा कि नीतीश कुमार आदर्श हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आज प्रखंड अंचल कार्यालय में इसे लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनके नेता नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री देश के हैं, अधिकारी जदयू को कम आंकने की भूल ना करें, भ्रष्टाचार के रास्ते को छोड़कर अधिकारी काम करें। पार्टी निरंतर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर शोर से लड़ाई लड़ रही है और आप यूं कहें कि पूरे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कोई नेता अगर लड़ रहा है तो नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। बाकी जो भी लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पैमाने की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में नीतीश कुमार जी जितने ताकत के साथ और जितने ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके तुलना में कोई भी नेता भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हीं को आदर्श मानते हुए जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठा रही है। निश्चित रूप से आज का जो यह धरना कार्यक्रम है जनता दल यूनाइटेड बागमारा प्रखंड की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम है और हम लोग पूरे प्रदेश में जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात आएगी, जहाँ भी गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के अधिकार का हनन होगा, भ्रष्टाचार के विषय पर कहीं भी जनता दल यूनाइटेड कोई कम्प्रोमाइज करने नहीं जा रही है। आज का जो यह धरना का कार्यक्रम उसी विषय पर धरना का कार्यक्रम रखा गया। प्रखंड जनता दल यूनाइटेड की ओर से 20 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना। हम बघमारा के BDO साहब और CO साहब से आंदोलन के माध्यम से कहने आए हैं कि आपका जो ब्लॉक में और CO ऑफिस में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यहाँ दलाल का अड्डा बन गया है, गरीबों का काम नहीं हो रहा है, दलितों का काम नहीं हो रहा है, छात्रों का काम नहीं हो रहा है, आप सुधर जाइए। यदि हमारा धरना के बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा प्रखंड कार्यालय में तो जनता दल यूनाइटेड यहाँ ईट से ईट बजाने का काम करेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड आंदोलन की पार्टी है और बघमारा विधानसभा में हम लोग धरना दे रहे हैं। बघमारा विधानसभा जनता दल यूनाइटेड का विधायक रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि मैं CO साहब से कहना चाहता हूँ कि जनता दल को कम मत किए, आने वाला दिनों में हो सकता है जनता दल का विधायक बघमारा में हो तो आपका जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं करने भ्रष्टाचार तो जनता दल यूनाइटेड का मुख्य एजेंडा है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना। जनता जुड़ रही है, बघमारा का जनता तो हमसे जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति से जुड़े हुए लोग रहते नहीं, पार्टी से जुड़े हुए। हमारे पास पूरे देश में आप देख लीजिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के BDO साहब, CO साहब जान जाए जनता दल यूनाइटेड को कम आंकने का प्रयास नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जनता दल यू का वो ताकत है।